सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। गाइस आज के इस वीडियो में हम बताने वाला है कि आप कैसे एकदम फास्ट स्पीड में अपना लेवल को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब कि कैसे आप जल्दी जल्दी अपने लेवल को बढ़ा सकते हो, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड आई थिंक इस वीडियो को 30, 40 या 50 लेवल वाले बंदे यहाँ पे ज़्यादा दिखने वाले, बिकॉज उनको यहाँ पे कुछ भी करके अपना लेवल को 70 या 80 तक बहुत ही कम समय में बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पे बढ़ाना होता है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी गिल्ड्स होती है जिनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है अच्छे खासे लेवल की, तो उसकी वजह से यहाँ पे इनका स्किल्स तो होती है, इनके पास अच्छी खासी स्किल्स होती है, ठीक है, इनका मूवमेंट स्पीड बहुत बढ़िया होता है, लेकिन वो यहाँ पे मात खा जाते हैं अपने लेवल की वजह से। तो गाइस यहाँ पे बस वही बताने वाले कि आप अपने लेवल को कैसे बढ़ा सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत सारे टिप्स होती है जिससे आप एकदम इजी तरीके से बहुत ही कम समय में अपना लेवल को बढ़ा सकते हो। अगर आपने ये मेरे जितने भी अभी मैं टिप्स देने वाला हूँ अगर आपने ये देख लिया तो गाइस यकीन मानिए आप बहुत ही कम समय में आपका लेवल यहाँ पे 70 या 80 तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको वीडियो क्या करना है, एंड तक देखना, एंड जल्दी जल्दी यार फटाफट से यहाँ पे लाइक भी कर देना, बिकॉज इस बार हमने यहाँ पे लाइक एम रखा है 200 का। तो गाइस 200 लाइक आई होप आप सभी एक या दो दिन के अंदर कर दोगे, तो गाइस जल्दी जल्दी यहाँ पे लाइक एम भी कंप्लीट कर देना। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा। सो चले गाइस यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे आपका लेवल इंक्रीज करने के लिए सबसे मेन चीज़, सबसे यहाँ पे गाइज अगर किसी के ऊपर डिपेंड हो तो वो है गाइज यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका। तो आपको अपना एक्सपीरियंस कहाँ से देखना है तो यहाँ पे बता देता हूँ, आपको अपनी प्रोफाइल को ओपन करना है। ऐड ओपन करने के बाद वहाँ पे आपका जो लेवल लिखा हुआ था वहाँ पे आप होल्ड करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस बताएगा, जिस तरीके से यहाँ पे मेरा बता रहा है, ठीक है। मेरा अभी 72 लेवल है, एंड यहाँ पे मेरा लेफ्ट की ओर मेरा करंट एक्सपीरियंस बता रहा है, एंड राइट की ओर मेरा यहाँ पे जो 73 लेवल के लिए कितना चाहिए उतना यहाँ पे बता रहा है, मतलब कि यहाँ पे मेरे को अप्रोक्सीमेटली 37 लाख, मतलब कि 36,90,000, इसलिए मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ कि 37 लाख मुझे चाहिए, मतलब कि मुझे कम से भी कम यहाँ पे 1.5 से 2 लाख यहाँ पे मुझे अपने एक्सपीरियंस बढ़ाना होगा, तब जाकर के मेरा यहाँ पे गाइस 73 लेवल होगा। मतलब कि मैं बात करूँ कि 0 से 50 लेवल तक तो यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आपका यहाँ पे लेवल बढ़ जाता है, बट 50 के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मतलब कि कम से कम आपको एक लेवल बढ़ाने के लिए 25 से यहाँ पे 30,000 एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब जाके आपका यहाँ पे एक लेवल बढ़ता है। फिर बाद में 60+ लेवल जब आपका हो जाता है इसके बाद को मतलब पूछो ही मत, इसके बाद को आपको 1-1 लाख या यहाँ पे 75,000 या 1-1.5 लाख इतना यहाँ पे आपको चाहिए होता है, तब जाके आपका यहाँ पे लेवल इंक्रीज होता है। फिर बाद में मैं बात करूँ मेरा पे 72 लेवल है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे एक लेवल बढ़ाने के लिए, बस एक लेवल बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे 2.5 से 3 लाख एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तब जाकर के मेरा यहाँ पे एक लेवल बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा उस तरीके से आपका पे एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए होगा, तब जाके आपका एक लेवल बढ़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिक चीज थी। सो गाइज यहाँ पे तो मैंने बात करा कि यहाँ पे आपका लेवल किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो वो होता है गाइज आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है। एंड आपको अब मैं बताता हूँ कि एक्सपीरियंस आप कैसे यहाँ पे बढ़ा सकते हो जिस तरीके से आपका यहाँ पे जल्दी जल्दी आपका लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपको कौन सा मोड खेलना चाहिए आपको जल्दी जल्दी अपना एक्सपीरियंस को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। तो गाइज यहाँ पे खेलना चाहिए आपको नॉर्मल सा रैंक गेम, ठीक है। तो क्योंकि रैंक गेम के अंदर आपको यहाँ पे 20% ज़्यादा, समझ रहे हो, 20% ज़्यादा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है, इस वजह से आपको यहाँ पे रैंक गेम खेलना ज़रूरी है, ठीक है, आपको रैंक गेम भी खेलना चाहिए। एंड दूसरी बात कि अगर मैं बात करूँ कि कौन सी पोजीशन पे आपको कितना मिलता है, तो यार यहाँ पे सबसे पूरा का पूरा डिपेंड होता है आपके, मतलब किल कितने उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। आपका यहाँ पे पूरा का पूरा डिपेंड होता है आपके पोजीशन पे, मतलब कि अगर आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड आते हो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड अगर आपके मैं बात करूँ अगर आपका 10 किल है एंड आप 10वीं पोजीशन पे आते हो, एंड अगर आपका 2 किल है एंड आप फर्स्ट पोजीशन पे आते हो, तो गाइस यहाँ पे 2 किल वाला जो होगा फर्स्ट पोजीशन वाला उसका यहाँ पे एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मैं बात करूँ बुया पे, तो यहाँ पे गाइस बुया पे आपको यहाँ पे 450 से 450 यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है अगर आप यहाँ पे गाइस बुया करते हो तो। एंड अगर आपके पास डबल ईएक्सपी मतलब कि 50% ईएसपी कार्ड आपके पास है, तो गाइस आपका यहाँ पे ईएक्सपी मतलब कि एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है गाइस 750, मतलब के 750 जितना आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात करूँ तो आपको रैंक गेम खेलनी है, एंड उसके अंदर आपको क्या करना है, पुश करना है, याद रखना, रश नहीं करना है आपको, पुश करना है, मतलब कि आपको यहाँ पे अपनी पोजिशन सिक्योर करनी है। और यहाँ पे गाइस किल विल चोरी वोरी का यहाँ पे अपने दोस्तों के ऊपर ब्लेम डालते हो, सब ब्लेम डालना मत करो, अपनी स्क्वाड के साथ खेलो, एकदम कोऑर्डिनेशन बिठाओ एंड अच्छी तरीके से रैंक पुश
पुश करो। अगर आप रैंक पुश करोगे तो आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगा एंड यहाँ पे आपका लेवल भी बढ़ेगा। अगर आपको यहाँ पे पता हो तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है, यहाँ पे जो टॉप रीजन पे जो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर होते हैं, ठीक है, उनका लेवल आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे इनका कम से भी कम 85 यहाँ पे 80 या तो फिर आपका 75 लेवल तो होता ही होता है, ठीक है, जो जो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर के अंदर होते हैं। तो उनका लेवल इतना हाई क्यों होता है? क्योंकि वो हर एक गेम मतलब कि 10 में से 9 गेम इनका बुया होता ही होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो बुया निकालते नहीं है, अगर कोई भी डैमेज दिए बगैर सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आते हैं, उनका माइनस होना भाई निश्चित होता है, ठीक है, तो उनका माइनस होता ही होता है। इसलिए उनको यहाँ पे रैंक पुश के अंदर अगर वो ग्रैंड मास्टर के अंदर है तो उनको यहाँ पे बुया निकालना जरूरी रहता है। तो बुया वो निकालते तो बुया के अंदर उनका यहाँ पे हर एक गेम के अंदर 750 या 800 तक उनका यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, ठीक है, तो इस वजह से इनका रैंक इतना ज्यादा हाई हो जाता है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे रैंक पुश करनी है, वो भी रैंक के अंदर, एंड नॉर्मली बस आपको यहाँ पे खेलते रहना, एंड जिस तरीके से आपका यहाँ पे रैंक पुश होता रहेगा उस तरीके से आपको यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ज्यादा मिलता रहेगा, उस तरीके से आपका यहाँ पे EXP भी ज्यादा मिलता रहेगा। बस आपको करना क्या है कि आपको बस कुछ भी करके अपना जो EXP कार्ड जो होता है, ठीक है, EXP कार्ड जो 50% EXP कार्ड आता है, जिसको कुछ लोग यहाँ पे डबल EXP कार्ड भी कहते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपको लेना जरूरी है। अगर मैं बात करूँ वो आता है कितने में, अगर आप स्टोर में जाकर के लोगे तो वो आपको 100 डायमंड के अंदर पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास डायमंड अगर आप वेस्ट नहीं करते, ठीक है, गेम के अंदर, तो आपको चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं। आपको बस यहाँ पे लेवल 4 के गिल्ड के अंदर जाना है, एंड लेवल 4 के गिल्ड के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे इस तरीके से कभी ना कभी आपको हफ्ते में एक बार 6 दिन के लिए EXP कार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे EXP कार्ड होगा आपके पास, एंड आप यहाँ पे रैंक पुश करोगे तो रैंक पुश के अंदर हर एक गेम में बुया निकालोगे तो आपका भाई रैंक यहाँ पे पुश होता रहेगा, एंड दूसरी बात कि यहाँ पे आपका लेवल भी पुश होता रहेगा, मतलब कि आपका लेवल बढ़ता रहेगा। तो यार अगर आपका यहाँ पे 60 लेवल है, ठीक है, याद रखना, अगर आपका 60 लेवल है एंड यहाँ पे आप ग्रैंड मास्टर पुश कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप पूरे 2 महीने ग्रैंड मास्टर में ही रहते हो एंड आप यहाँ पे 60 लेवल पे हो, तो आपका नॉर्मल सा 2 मंथ के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ 2 मंथ के अंदर आपका यहाँ पे 72 या तो फिर 71 लेवल तो हो ही जाएगा, मतलब कि 11 से 12 लेवल आपका 2 महीने के अंदर बढ़ जाएगा, मतलब समझ रहे हो कितना ज़्यादा हो गया ये। तो गाइस बस सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे रैंक पुश करना है एंड अपने स्क्वाड के साथ बस कोऑर्डिनेशन बिठाना है, और आपको यहाँ पे किल्स के पीछे नहीं भागना, ठीक है। अगर आप लेवल अप कर रहे हो तो आपको किल्स के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना, आपको अपनी पोजीशन के पीछे भागना है। आपकी जितनी अच्छी पोजीशन रहेगी उतना ही अच्छा आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस रहेगा, उतना ही अच्छा आपका लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे इतनी सी यहाँ पे टिप्स थी। तो गाइस जल्दी से यहाँ पे अगर आपने लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, एंड जल्दी से 200 लाइक कंप्लीट करा देना, बिकॉज अगर यहाँ पे 200 लाइक कंप्लीट हो जाते तो आपके लिए यहाँ पे न्यू वीडियो आ जाएगा कि आपको KD कैसे इंक्रीज कर सकते हो, अपने KD कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो उसके ऊपर नेक्स्ट वाला वीडियो अपना आने वाला है, तो गाइस उसके लिए यार 200 लाइक जरूर, गाइस 200 लाइक जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो पे चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब जरूर से करेगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लीजिएगा। सो चले गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड टेक केयर।